तीन दिन चली इनकम टैक्स महकमे की छापेमारी के बाद आजम खान ने कहा, मेरा दामन आज भी बेदाग है। इनकम टैक्स वालों को मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, इसलिए वो हमें पंचनामा भर के दे गए, उन सब का शुक्रिया। इसके साथ ही आजम खान ने अपने हामियों से कहा, अपनी दुआएं जारी रखें क्योंकि जुल्म अभी जारी है। मेरे ख्याल से मात्र लगभग 10,000 रुपया अब्दुल्ला के पास और 3,500 रुपया पत्नी के पास 2-3 लाख रुपए का जीरो किसी भी नियमानुसार सीज नहीं किया जा सकता और कोई भी चीज किसी प्रकार के या कोई मोबाइल सिवाय इसके के एक तरफ आजम खान दावा कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम को उनके घर से कुछ नहीं मिला, साथ वो अपने चाहने वालों के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आजम खान को इतना क्यों परेशान किया जा रहा है, एक के बाद एक केस में क्यों फंसाया जा रहा है, इनकम टैक्स की टीम 60 घंटे आजम के घर में क्या ढूंढती रही। ऐसे ही कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में आ रहा है। इनकम टैक्स जराए के मुताबिक इनकम टैक्स की रेट से अब तक करीब 800 करोड़ की हेराफेरी सामने आई है। 60 घंटे की कार्रवाई में आजम खान के घर से 83,96,000 रुपए कैश मिले, जबकि 2.4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने 16,90,000 नकद और 38,30,000 रुपए के गहने जब्त कर लिए हैं। जराए के मुताबिक छापे के दौरान सवालों के जवाब आजम खान ने बखूबी दिए। आजम खान ने खुद को बेकसूर बताया और परेशान करने का इल्जाम लगाया। अपने बयान के दौरान कई बार वो जज्बाती हुए और कहा कि वो तो केवल जरूरतमंदों को तालीम दिलाने का काम कर रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 60 घंटे की रेड खत्म हो चुकी है। आरोप लगा था आजम खान की जौहर ट्रस्ट में डोनेशन के लेन देनों में गड़बड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस रेड के दौरान अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान और उनके करीबी करीब 26 जगहों पर रेड डालते हुए 2 करोड़ रुपए का गोल्ड और 86,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आजम खान के यहाँ हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर जहाँ समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है, रेड खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, आज 3 दिन बाद जाकर आजम खान साहब के यहाँ छापे खत्म हुए, या कहिए जुल्म की दास्ता की एक और कहानी। आवाम को समझ आ रहा है जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि जुल्म से वो जीत जाएंगे, तो उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान वो नायाब देश है जो दुश्मन के साथ भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता।